यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा सभी ऑटो ड्राइवरों को वर्दी पहनने का निर्देश जारी हुआ है, जिसके तहत 24 अगस्त से सभी ऑटो चालकों को वर्दी पहनना था, लेकिन कुछ चालकों ने तो वर्दी धारण कर ली, लेकिन अभी भी कुछ ऑटो चालक वर्दी पहनकर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि 80% ऑटो चालक वर्दी पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ड्राइवर आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे चालकों को चेतावनी दी जा रही है कि वे वर्दी पहनकर ही वाहन चलाएं। एसपी ट्रैफिक ने बताया, लगभग 80% ऑटो ड्राइवर जो है वर्दी पहनने लगे हैं, और जो नहीं पहन रहे हैं उनको हम लोग समझा रहे हैं कि वो लोग वर्दी पहने हैं, और वर्दी पहनने के बाद जो है फिर अगला स्टेप हम लोग लेंगे। जनता के कल्याण के लिए ही है, जनता को समस्याओं से बचाने के लिए ही हम लोग ये वर्दी उन लोगों को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी कोई ड्राइवर वर्दी नहीं पहने तो उसके लिए कुछ चेतावनी नहीं? ये स्वाभाविक है, मनुष्य धीरे धीरे किसी परिवर्तन के अनुकूलन में समय लगता है। अब हमने ये डाला है, परंपरा डाली है, तो धीरे धीरे लोग अपनाएंगे इसको और शीघ्र ही जो है 100% लोग वर्दी पहनेंगे इसको। केवल समझाया गया है तो उससे जन जी।